अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल संडे था और आप सब लोगों को पता है कि मैं संडे को व्लॉग अपलोड नहीं करती। एक दिन की छुट्टी मैं लाजमी करती हूँ और एक दिन की छुट्टी के बाद ना बहुत रिफ़्रेश हो जाती हूँ, एक एनर्जी सी आ जाती है दोबारा आप लोगों के सामने आने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि अलफता तो मैं जाती रहती हूँ, मेरी सारी ग्रोसरी मेरी सारी क्रॉकरी वहीं से आती है, लेकिन आज मैं एक डिफरेंट जगह पर आई हूँ। मैं आई हुई हूँ रेनबो स्टोर। एक्चुअली मैं जा रही थी अपनी कज़न के घर और रास्ते में रेनबो स्टोर पड़ता था, तो मैंने सोचा कि आज यहाँ रुकते हैं और यहाँ पर चीज़ें देखते हैं ज़रा ग्रोसरी कैसी है, क्या क्या आइटम्स हैं। अलफता पर तो हमें सारे इम्पोर्टेड आइटम्स भी मिल जाते हैं ना, तो मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं। इसके अलावा इनकी क्रॉकरी भी मैं देखना चाह रही थी। तो अभी मैं आ गई हूँ एक सेक्शन की तरफ जहाँ से ना खुली प्लेट्स मिल जाती हैं। खुली का मतलब आप समझते हैं ना, मतलब एक तो सेट्स में प्लेट्स होती हैं, ये खुली प्लेट्स होती हैं, आपने एक लेनी है, दो लेनी है, तीन लेनी है, अपनी के मुताबिक बाय कर लें। बहुत प्यारी प्लेट्स बाय करने के बाद हम लोग आ गए थे, छोटे मोटे आइटम्स कुछ बाय करने थे, वो बाय करने के लिए ग्रोसरी सेक्शन की तरफ आ गए थे। नहीं ये वाले नहीं, ये वाले। अच्छा, यहाँ पर क्रॉकरी के ना जो खुले बर्तन होते हैं उसके दो सेक्शन बने हुए थे। एक सेक्शन में सारा मेलामाइन मिल रहा था और दूसरे सेक्शन में मार्बल और चीनी की प्लेट्स, डिशेस, ये सब कुछ मिल रही थी। अच्छा, मैंने क्या क्या बाय किया वो मैं घर जाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी कप्स की तरफ और दिल कर रहा था कि कुछ अच्छे अच्छे कप्स भी ले लूँ, तो ज़्यादा नहीं मगर 6 कप्स मैंने बाय किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कंपैरिजन की तरफ कि अलफता पर ज़्यादा अच्छी क्रॉकरी है या रेनबो पर। तो रेनबो पर भी मैं ये नहीं कह सकती कि बुरी थी, रेनबो पर भी बहुत अच्छी क्रॉकरी थी, लेकिन कंपैरेटिवली अलफता के पास जो चीज़ें होती हैं ना वो काफ़ी डिसेंट होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं डिनर सेट्स देख रही थी, टी सेट्स देख रही थी, वो मुझे इतने ख़ास कोई अट्रैक्ट नहीं किए। हालांकि मेरा मूड भी था कि अगर मुझे कोई अच्छा लगा डिनर सेट तो मैं बाय कर लूँगी, लेकिन मुझे इतना कोई अपील नहीं किए। अलफता पर जब आप जाते हैं ना, ख़ासतौर पर उनकी जो जौहर टाउन वाली ब्रांच है उस पर जब अक्सर मैं जाती हूँ, तो वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे डिनर सेट्स होते हैं ना, इतनी प्यारी क्रॉकरी होती है, सच्ची दिल कर रहा होता है कि बस ये भी ले लो, ये भी ले लो। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ तो ख़रीदी नहीं जा सकती ना, और फिर किचन में हमें स्पेस भी देखनी होती है कि इतनी स्पेस भी है कि इतना बर्तन हम रख सकें। तो यहाँ पर बस हम लोग आ गए थे घर और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बाय किया। ये सामने आप बोल देख रहे हैं, ये भी चीनी का बोल है, बड़ा ही खूबसूरत बोल है। और कुछ ग्रोसरी आइटम्स थे, कुछ मैंने डिज़र्ट्स बनाने थे, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। 10 मिनट्स डिज़र्ट्स मेरा है इरादा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि डिज़र्ट्स बनाने पे टाइम काफ़ी लग जाता है और अक्सर हमारे गेस्ट्स आने होते हैं तो हम टिपिकल वही चीज़ें, खीर बनाकर रख दी, फिरनी बनाकर रख दी, तो यार कुछ डिफरेंट भी करना है, ठीक है। तो 10 मिनट्स डिज़र्ट्स अब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को प्राइसेस बता देती हूँ। इस प्लेट की प्राइस है 550 रुपये, 550 रुपये की ये एक प्लेट है, वाइट कलर की प्लेट है, ब्लू प्रिंट बना हुआ है। उसके बाद आती हूँ मैं इस प्लेट की तरफ। इस प्लेट की प्राइस है जी 650 रुपये, 650 की एक प्लेट है, आपने याद रखना है, ठीक है। और ये प्लेट ना मुझे फर्स्ट लुक में ही बहुत अपील की, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। उसके बाद आ जाते हैं इस प्लेट की तरफ, ये पोर्सलिन की प्लेट है और इसकी प्राइस है 1050, 1050 की ये एक प्लेट है। अच्छा जी, अब आते हैं इस बोल की तरफ। ये बोल तो यार देखते ही बस मैंने उठा ही लिया था ना, मुझे इतना प्यारा लगा था। तो इस बोल की प्राइस है 780 रुपये। अब मैं आपको बताती हूँ कप्स के बारे में। पहला मग है ये, इसकी प्राइस है 600 रुपये, 600 का ये एक मग है। मैंने टोटल 6 मग्स बाय किए थे। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, दूसरा ये मग है। असल में मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं वाइट कप्स या मग्स, तो मैं क्या करती हूँ फिर हल्के फुल्के जिनके ऊपर प्रिंट होते हैं ना वो ले लेती हूँ। इस मग की प्राइस भी 600 है, ये भी मैंने 6 लिए हैं। सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आते ही मैंने सबसे पहले मसूर की दाल बनाई, साथ में थोड़े से राइस बॉईल कर लिए थे, सबको खाना वगैरह दिया, अक्सा और समिया को भी खाना दिया। फिर मैं आ गई थी बेडरूम में और इन दोनों को मैंने कहा पहले मेरी बेडशीट चेंज करो, क्योंकि कल ही बिछाई थी दूसरी लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको उठा दो।
और ये वाली बेडशीट बिछा दो। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे ना बेडशीट के नीचे मैट्रेस पर कवर है। मेरे घर में तमाम मैट्रेस को मैंने इसी तरह से कवर किया हुआ है और ये कवर्स मैंने आज से तकरीबन, आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 4 साल पहले मैंने गुल अहमद से बाई किए थे। मैं तो कवर्स वॉश भी बहुत ज़्यादा कराती हूँ, लेकिन इतने अच्छे निकले ये कि आज तक वैसे के वैसे ही हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि जाती हूँ अब्बू के साथ, थोड़ा टाइम भी स्पेंड करती हूँ। अब्बू का दिल भी बहल जाएगा, मैं और बच्चे और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना तो अब्बू का दिल बहल जाता है। असल में मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी फुफ्फो के बेटे भी हैं, तो अब्बू की ना अपनी एक एफिलिएशन है मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम सब जब जाते हैं तो अब्बू खुश हो जाते हैं। देखो अच्छे वाला ही पैक करना, ये वही है ना, नहीं तो मैंने वापस कर जाने हैं फिर। तो अभी मैं आई हुई हूँ जौहर टाउन और अमान प्लाज़ा में मैं खड़ी हुई हूँ। जितने भी जौहर टाउन में रहने वाली मेरी बहनें हैं वो मेरा ख्याल है इस जगह को पहचान ही जाएंगी, क्योंकि अमान प्लाज़ा जौहर टाउन की सबसे मशहूर जगह है। केले किस तरह? यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट वाले बैठे होते हैं, तो यहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ। मैंने सोचा अब्बू के लिए और घर वालों के लिए थोड़ा सा फ्रूट ले लेती हूँ, और मुझे अपने घर के लिए भी बाय करना था फ्रूट, इसीलिए मैंने सोचा सबके लिए इकट्ठे इधर से ही बाय कर लेती हूँ। आई हुई तो हूँ, क्योंकि फिर मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हर चीज़ जनाब 300 रुपये थी। आमों का वैसे सीज़न ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अनवर टॉल अच्छा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। तो आम भी 300 रुपये किलो, केले 400 रुपये दर्जन। इसके अलावा मैंने लिया था सेब भी 300 रुपये किलो, और अंगूर मैं आपको बता देती हूँ 400 रुपये किलो। तो जी ये फ्रूट का रेट चल रहा है। अभी यहाँ पर सारा फ्रूट पैक हो रहा है। रेट बेटा तुमने ठीक करके लगाने हैं। जब मैं फ्रूट लेने आई ना और मैंने इससे रेट पूछा हर चीज़ का, तो मैंने इसको कहा कि देखो रेट ठीक करके लगाना। तो इसने कहा ठीक है बाजी आप ले लें, कोई फिक्र की बात नहीं, आप जो मर्जी ले लें, रेट इंशाल्लाह आपकी मर्जी के मुताबिक लगेगा। बड़े साइज का है ना वो डालना 2 किलो। लेकिन जब इसने बिल बनाया ना टोटल, यकीन करें इसने एक पैसा भी कम नहीं किया, ना सेब में, ना आम में, ना केले में, ना अंगूर में। उल्टा मुझे कहता है कि बाजी हमें बचता ही कुछ नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, ये तो वो। खैर मेरी आदत नहीं है इतनी ज़्यादा बहस करने की, मैंने कहा ठीक है भाई जितने बताए हैं उतने ही ले लो, तुम खुश रहो। तो यहाँ पर मैंने 4 किलो सेब लिए थे, 4 किलो आम लिए थे, 2 किलो अंगूर लिए थे, और 2 दर्जन केले लिए थे। इसमें से हाफ मेरे अपने घर के लिए था और हाफ मैंने अब्बू के लिए लिया था। 400 रुपये किलो। अच्छे वाला दाना डालना। 200 तो बस यहाँ पर आ गई थी अम्मी की तरफ, और भाभी ने बड़े मज़े का चिकन पुलाव बनाया हुआ था। आते ही सबसे पहले हम लोगों ने वो खाया, फिर अम्मी ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, चाय वगैरह बस, और अब्बू के साथ बड़ी गपशप रही। आज तो हम बस इंडिया को याद करते रहे, क्योंकि हम लोग इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। मेरे जो फोर फादर्स थे वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, और बस यही अब्बू से बातें होती रहीं कि दादी अम्मा का घर किधर था, फिर शादी के बाद जब वो दादा अब्बू के घर आई तब उनका घर इंडिया में कहाँ था। और यकीन करें हम सबको इंडिया जाने का, इंडिया देखने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि मैं शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझे इतना ज़्यादा इंडिया जाने का, घूमने का, उनका कल्चर देखने का शौक़ है। इंशाल्लाह 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 अगर कभी दोनों मुल्कों के हालात ठीक हुए और फ्रीली हमें एक दूसरे के मुल्कों में जाने की इजाज़त मिली ना, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वो लोग जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, तो आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे ब्रांड की प्रोडक्ट्स शो कर रही हूँ जो बहुत अच्छी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
सबसे पहले तो मैं ब्रांड का नाम बता दूं, ब्रांड का नाम है जी ऑर्गेनिक्स, जैसे कि आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं और इधर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक्स इनके ब्रांड का नाम है। ये इनका हेयर ऑयल है, बहुत ही जबरदस्त आमला का हेयर ऑयल है ये। और ये जो शैम्पू है ये और बिल्कुल ऑर्गेनिक शैम्पू है। जैसे खवातीन जो होती हैं वो कंसर्न होती हैं इस बात को लेकर के शैम्पू के अंदर किसी किस्म के केमिकल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि केमिकल्स बालों को रूखा कर देते हैं और जब बाल रूखा हो जाता है अल्टीमेटली बाल टूट कर गिर जाता है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक शैम्पू है और कैरेटिन और एग इन्फ्यूजन शैम्पू है ये, बिल्कुल 100% केमिकल फ्री। इनका हेयर ऑयल मैंने यूज़ किया है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा हेयर ऑयल है इनका, आमला का ऑयल है, आपकी बालों की ग्रोथ में आपको मदद करेगा, आपके बालों को मजबूत करेगा। इसके अलावा इनकी ये एक वाइटनिंग क्रीम है, ऑर्गेनिक स्किन ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग क्रीम। अच्छा, ये बेसिकली ना नाइट क्रीम है, आपने इसको सिर्फ एज नाइट क्रीम यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ, ये देखें ये इस तरह की है अंदर से और बड़ी अच्छी सी इसकी फ्रेग्रेंस है और इस तरह की है ये, ठीक है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ऑयली नहीं है बिल्कुल भी, फौरन से एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई आपको एब्जॉर्ब करने पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने ये रात को अप्लाई करनी है और सुबह आपने फेस वॉश कर लेना है। अच्छा, ये क्लेम करते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो रंग है वो साफ होना, फेयर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग इनके प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, इनकी प्राइस मालूम करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इनका इंस्टाग्राम पेज, इनका फोन नंबर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाएं, प्राइसेस भी मालूम कर लें और ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं तो ऑर्डर भी कर लें।